मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बाउल मुरमुरे, 1 बाउल जैगरी, थोड़े टुकड़े टुकड़े करके छोटा बना लिया है इसको, और 1 चम्मच घी। अभी सबसे पहले हम इनको थोड़ा क्रिस्पी करेंगे, उसके लिए हम इन्हें कढ़ाई में फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम इन मुरमुरों को भून लेंगे ताकि थोड़े और क्रिस्पी हो जाएं। इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये क्रिस्पी हो। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, ये हो जाएंगे 1-2 मिनट में क्रिस्पी। और इस तरह से हमारे मुरमुरे भूनकर तैयार हो गए हैं बिल्कुल क्रिस्पी। अब हम बनाते हैं जैगरी सिरप। तो अब जैगरी सिरप बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे, हमने डाला है इस कढ़ाई में वो 1 चम्मच घी। अब इसमें हम डालेंगे जैगरी और हम इसको इसका सिरप बनाएंगे जब तक कि पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए। देखिए इस तरह पिघलने लगा है और हम इसे अच्छे से चलाएँगे और तब तक हम इसे पिघलाएँगे जब तक कि ये बिल्कुल पिघल ना जाए। पहले से भुने हुए मुरमुरे में हम डालते हैं ये चाशनी और इसको हम अच्छे से मिक्स करके अपने लड्डू बनाएंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और हल्का गरम, ज़्यादा ठंडा ना होने दें इसको, हल्के हल्के गरम होने पर ही हमें इसके लड्डू बनाने पड़ेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा पानी। इसमें हम हल्का सा हाथ लगा के, ताकि वो हाथ से ना चिपके, इनको इस तरह से हाथ में लेके हम इनको बांधेंगे। ध्यान रहे कि ये ठंडा ना होने पाए। इस तरह से बस पानी का हाथ लगा के दोनों हाथों पर ये लेके हम हाथ में इनको इस तरह से दबाते हुए हल्के हाथ से। इस तरह हमारे बहुत ही टेस्टी मुरमुरे के लड्डू तैयार हैं।